जम्मू कश्मीर के बंदे की गाड़ी है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर में एम स्ट्रिप के साथ है। ओ भाई साहब, स्कैनिंग वाली, मैट्रिक्स वाली। और भाई देखो, कश्मीर से ही आई है, मुझे जरा ये बता दो वहाँ से आई कैसे, मतलब कैसे कॉन्टेक्ट हुआ? भाई ये ऐसा नहीं है कार्बन फाइबर वाला रैप है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर का साइड मिरर है आपका। BMW के नीचे से मॉडल से लेके अपर मॉडल तक की भी कोई भी बॉडी किट सबको चाहिए तो हमारे पास सारी अवेलेबल है। तो गाड़ी आप पहचान ही नहीं पाओगे बाद में पेंट होने के बाद, ये पुराने मॉडल की गाड़ी। हेलो दोस्तों, तो भी आज मैं लेके हूँ आपके लिए सामने, देख लो यार, BMW 320D। और इस गाड़ी में क्या है कि मेनली इस गाड़ी में हो चुका है काम बहुत ही प्यारा सा, और ये गाड़ी कन्वर्ट की हुई है M3 में। तो ये कस्टमर की गाड़ी है, और ये आई कहाँ थी? प्रो कस्टम कार बाय DJ ऑटोमोटिव। तो आज उन्हें भी हम लेंगे जो वहाँ के ओनर है, और उनसे बात करेंगे कि इस गाड़ी में मेनली क्या क्या काम उन्होंने किया है, कैसे इस गाड़ी में बदलाव किए हैं। काफी पुरानी गाड़ी है तो डिटेल में बात करेंगे उन्हीं से, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं अब और सीधे उनको इनवाइट करते हैं। तो क्या है हिमांशु भाई? बहुत बढ़िया। तो हिमांशु भाई जरा आप मुझे बता दो डिटेल में, पहले तो अपना शॉप का एड्रेस वगैरह बता दो। आपकी वीडियो में देखा ही होगा, हमारा पंजाबी बाग में सिचुएटेड है प्रो कस्टम कार्स। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, हमारा नंबर वगैरह सब चीज आपको मिल जाएंगे वहीं पे, गूगल पे भी मिल जाएंगे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको, और इसकी स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे। चलो अब आते हैं जरा गाड़ी पे, क्योंकि भाई जल्दी से अंधेरा होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। जरा बताओ कहाँ से गाड़ी आई है और क्या क्या काम आपने किया है इसमें? एक्चुअल में तो गाड़ी UP रजिस्टर्ड है, पर ये जो गाड़ी है ये एक जम्मू कश्मीर के बंदे की गाड़ी है, जो कि कश्मीर से आए हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को एक नया अपग्रेड देने के लिए। ये 2014 320D रहने वाली है गाड़ी, जिसको हमने M3 स्टाइल बम्पर्स अपग्रेड करे हैं इसके, जैसे कि इसमें एक मॉडल आता है M3 का, उसमें इसको हमने कन्वर्ट करा है। तो एक आप लुक चेक कर सकते हैं, इस गाड़ी की लुक पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब वीडियो में हम दिखाते हैं आपको कि हमने इसमें क्या क्या करा है और कैसे कैसे करा है। और ये जो पार्ट्स हमें दिख रहे हैं ना, जैसे ये ब्लैक हो गया है, ये आगे रो दिख रहा है, ये बम्पर। हाँ जी, ये एक्चुअल अभी विदाउट पेंटेड किट है जो हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो हम इसको पेंटेड करके डालेंगे, ये अभी जस्ट किट की वीडियो है। हाँ, मतलब ये है कि आपके पास अगर है BMW 320D, और कौन सा मॉडल है ये? ये 2014 मॉडल है, 2014 डीजल है ना? डीजल है। तो वैसे तो भाई यहाँ पे तो खत्म ही है गाड़ी, लेकिन हाँ। भाई शौक बड़ी चीज है, तो भाई ने इसको, जिसकी भी ये गाड़ी है उन्होंने इसको M3 में कन्वर्ट कराया है, और भैया ने ये काम किया है। बाद में लास्ट में बात करेंगे कितना मोटा खर्चा इसमें आ चुका है ये सब काम कराना। अब डिटेल में बता देते हैं क्या क्या काम कराया है। स्टार्टिंग करते हैं हम फ्रंट की तरफ से अपनी। जो फ्रंट में हमने इसमें अपग्रेड करा है, ये M3 स्टाइल बम्पर इंस्टॉल करा है इसके अंदर। ये एकदम रीसेंट, आप मानो कि गाड़ी को एक नया लुक मिल गया इसकी, जो अभी रीसेंट में गाड़ी आ रही है। हाँ जी, पहले ये लग्जरी में आती थी, दिखने में थोड़ी लग्जरी लगती थी गाड़ी, अब ये स्पोर्टी लुक में आ गई है। इससे एरोडायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, आपको अच्छी विजिबिलिटी यानी कि एक रोड प्रेजेंस मिल गई है इस बम्पर की वजह से, आप वो समझिए। ये हमने इसमें फ्रंट बम्पर इंस्टॉल करा है, इसमें BMW स्टाइल ग्रिल जो आती है अभी रिसेंट जो मॉडल्स में आ रही है उस तरीके की, इसमें हमने ग्रिल इंस्टॉल करी है, और साइड में हमने इसके M3 स्टाइल फेंडर्स इंस्टॉल करे हैं। फेंडर्स भी चेंज है, जिसमें आपको एयरवेंट्स मिल जाते हैं, इस मॉडल में एयरवेंट्स नहीं आते थे। okay. इसमें हमने एयरवेंट्स वाला फेंडर इंस्टॉल करा है, और साथ ही हमने इसमें जो BMW M स्टाइल के कार्बन फाइबर मिरर्स इसमें इंस्टॉल करे हैं। इसमें और भी मॉडल्स आते हैं जो इसमें ग्लॉसी ब्लैक होता है वो भी मिल जाएगा, और कार्बन फाइबर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए BMW का तो वो भी मिल जाएगा आपको। और मैं एक चीज बता देता हूँ भाई, ये ऐसा नहीं है कार्बन फाइबर वाला रैप है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर का साइड मिरर है आपका। और नीचे भी चेंज है ना पार्ट, ये इसमें ये जो स्कर्ट्स होती हैं रनिंग बोर्ड स्कर्ट्स कहते हैं, ये भी हमने चेंज करा हुआ है। ये भी पूरा पेंटिंग प्रोसेस में दिखाएंगे आपको, गाड़ी एकदम चेंज हो जाएगी। हमने एक BMW 5 सीरीज करी थी, वो भी हमने ऐसे ही एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद हमने उसको ब्लू कलर में उसको पेंट करा, तो गाड़ी आप पहचान नहीं सकते थे कि वही गाड़ी है वो। बिल्कुल, वो भी 2010 मॉडल थी, हमने उसको 2023 मॉडल में कन्वर्ट करा था, तो गाड़ी आप पहचान ही नहीं पाओगे बाद में पेंट होने के बाद, ये पुराने मॉडल की गाड़ी। मैं तो हिमांशु भाई से भी बोल रहा था, मुझे एक ऐसी गाड़ी दिला दो यार खत्म सी, सस्ती मिल जाएगी आप बना देना, और बढ़िया 5-6 लाख में गाड़ी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब लो हम बनाएंगे। चलो आप थोड़ा इधर आ जाते हैं, इधर की साइड से दिखाए थे के लुक क्या निकल के आ रहा है। भाई देखो, रोड प्रेजेंस बिल्कुल अलग हो गई है इस गाड़ी की, जब ये पेंट्स हो जाएंगे ना पार्ट। और इस पे कुछ व्हाइट रखोगे या कुछ अलग? इसको एक है ना, आजकल प्रिंट चल रहा है डुअल प्रिंट, हाँ उसकी भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा कि वो एक रैपिंग चल रही है, उस तरीके की रैप हमने सोची है इसके ऊपर कि वो रैप करेंगे हम इसके ऊपर। अच्छा। और हम इसमें थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, एक बार बाहर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर दिखाएंगे कि हमने अंदर क्या करा है। ठीक है, ये हमने इसका M3 स्टाइल का बम्पर इंस्टॉल करा है, और ये हमने इसमें डुअल टिप की एग्जॉस्ट जो टिप्स हैं ये इंस्टॉल करी है।
अब इसमें सिंगल आता है क्या? इसमें सिंगल आता है उस साइड बस। तो ये बस हमारी वो है, टिप है, और कुछ नहीं। वो एक्टिव रहती है और ये नॉन एक्टिव रहती है। अच्छा, एक नॉन एक्टिव है, एक एक्टिव है। ठीक है जी। अभी मैं इसकी टेल लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको, कि टेल लाइट में आपको मजा आ जाएगा देख के कि क्या चीज है। ये भी चेंज की है? हाँ जी, ये टेल लाइट भी चेंज की हुई है। ओके चलो भाई, एक बार टेल लाइट देख लेते हैं आप। ओ भाई साहब, स्कैनिंग वाली, मैट्रिक्स वाली, क्या बात है, एकदम लुक चेंज है इस गाड़ी की। आप पहचान नहीं पाओगे कि गाड़ी क्या थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी गाड़ी को अभी तो भाई हिमांशु भाई, अगर आप रैप वगैरह करो कितनी प्यारी लगेगी। अरे आप अभी जो कह रहे हो ना, आप उस टाइम कहोगे कि वही गाड़ी है। हाँ। आप ऐसा कहोगे। चलो तो ये व्यूअर्स को दिखाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि वही गाड़ी। मार के और इंडिकेटर भी दिखाता हूँ, इंडिकेटर भी बहुत सुंदर है इसके। ओके वाह, नाइस। ब्रेक नहीं लग रहे अभी? ब्रेक नहीं लग रहे। हाँ, कंप्लीट एलईडी सेटअप है। हाँ जी, कंप्लीट यार हिमांशु भाई, टेल लैंप्स वगैरह का क्या प्राइस होता होगा? टेल लैंप्स आपकी थोड़ी प्रीमियम उसमें चली जाती है, ये आपको 40 प्लस ही जाती है। अच्छा। हाँ जी। और हेडलाइट में तो कुछ चेंजेस नहीं किए? हेडलाइट के भी अपग्रेड्स अवेलेबल है, पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हेडलाइट्स बहुत क्लीन और बहुत अच्छी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को हेडलाइट्स में कुछ नहीं करना, तो उन्होंने सिर्फ टेल लाइट के लिए बोला हमें करने के लिए। डन है जी। ठीक है, और पीछे से ये बम्पर चेंज है अपना? ये बम्पर चेंज है आपका, मतलब ये है कि इस गाड़ी को आप इस तरीके से तैयार कर दोगे कि कस्टमर देख के ऐसा बोल सकता है कि भैया मुझे ऐसी बना दो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं कि मुझे ये लगवाना है या वो लगवाना। नहीं नहीं, कस्टमर हम बोलते हैं कि इसमें ये और लगाओ। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड कर सकते हैं। हाँ जी चलो। और तो लुक भी जैसे पीछे से है ना, कि भैया ने इसमें डुअल टिप लगा दी है, तो ये इसका जो रोड प्रेजेंस है वो कुछ अलग ही है, अलग ही हो गया है, और स्पोर्टी लुक तो बन ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में दिखाते हैं आपको कि हमने क्या क्या करा है। आपने ऐसी चीजें शायद ही देखी हो, मेरे को नहीं लगता। अब तो मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, पर हमने कुछ यूनिक डाला है। इसके एम स्पोर्ट स्टाइल स्टीयरिंग आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, पर जो हमने डाला वो कुछ डिफरेंट है। चलो एक बार अंदर चलते हैं इंटीरियर में, जरा एक बार चेकआउट करोगे यार इंटीरियर का, मतलब इसमें बैठने का फील ही अलग है मानसू भाई। अरे मतलब ऐसा लग रहा है ना कि नीचे जमीन पे बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी थोड़ा सा लगता है जब हम गाड़ी, हमारे पास सारी ऊंची गाड़ियां आती हैं, तो कभी कभी जैसे ये गाड़ी आती है ना, तो ये लगता है कि जैसे जमीन पे बैठ गई गाड़ी चला रहे हो, फील होता है कि बस मन करता है यार ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, हम सबसे पहले तो गाड़ी में बंदा घुसता है तो देखता है कि भाई गाड़ी में स्टीयरिंग कैसा है। स्टीयरिंग आप देखो, स्टीयरिंग एकदम माचो लुक में है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर में एम स्ट्रिप के साथ है। ठीक है, एम की बैजिंग है आपकी, एम स्पोर्ट्स की। और आप चीज देखो कि क्या मसल आ रही है गाड़ी में, क्या लुक आ रही है, क्या प्रेजेंस मिल रही है गाड़ी में। मतलब ये है ना कि ग्रिप भी बहुत प्यारी, बिल्कुल बहुत प्यारी है। और मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि ओरिजिनल कार्बन फाइबर, ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। ये पैडल शिफ्टर्स भी इसके साथ ही आए हैं, ये मॉडल जो था इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं थे, तो ये वर्किंग में नहीं है अभी। Okay. जिस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स आते हैं कंपनी से इनबिल्ट, उसमें जो हम स्टीयरिंग देंगे वो भी पैडल शिफ्टर्स वर्किंग के साथ ही देंगे, जिस मॉडल में कंपनी से फिटेड आते हैं। जिसमें नहीं आते उसमें नहीं, उसमें नहीं होंगे वर्किंग। सेकंड थिंग, जो हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है हमारी स्टीयरिंग पे, फिर उसके बाद हमारी नजर जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। अच्छा, उसमें भी चेंजेस किए हैं? उसमें भी चेंजेस करे हमने। क्या बात है। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुली डिजिटल रहने वाला है, फुली एलईडी रहने वाला है। और पहले कैसा आता था? पहले एनालॉग आता है, सुई काटे वाला। बिल्कुल, इसमें वो था। और फिर हमने इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डाला है, जो कि आपके काफी सारे इसमें फंक्शंस भी वर्किंग रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें हम मोड्स डाल सकते हैं अलग अलग। ये थीम्स आ गई, ये स्पोर्ट थीम चल रही है इस टाइम पे। अब हम इसको चेंज करेंगे, ये देखिए कम्फर्ट वाली थीम है ये चेंज हो गई कम्फर्ट। ये बहुत शानदार, इसके जितनी भी तीन चार थीम्स आती है बहुत अल्टीमेट आती है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ये इसका थर्ड स्पोर्ट प्लस, ये स्पोर्ट प्लस, ये स्पोर्ट प्लस में आ गया। देखिए सारी चीजें परफेक्टली वर्किंग है, आरपीएम पूरा वर्किंग कर रहेगा, स्पीड आपकी यहाँ पे आ जाएगी, पार्किंग और ब्रेक आपका कौन से पे है वो सब, मतलब सारी चीजें बिल्कुल जनरली परफेक्ट वर्किंग में आएगा। तो आपने देखा कि गाड़ी क्या थी और क्या हो चुकी है, बहुत शानदार फीचर्स हो चुके हैं इसके अंदर, जो कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी लेटेस्ट मॉडल्स में आता है, वो हम 2014 मॉडल में डाल रहे हैं। स्टीयरिंग आप देख ही सकते हैं स्टीयरिंग की क्या लुक है, गाड़ी ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुकी है। इंटीरियर में तो यही है ना कि आपने स्टीयरिंग चेंज किया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज किया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फिर कस्टमर देखिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, हमने उनको डिजिटल एंड्रॉइड सिस्टम के लिए भी बोला था, एक एंड्रॉइड सिस्टम इसमें इंस्टॉल करते हैं, पर वो थोड़ा सा बजट की भी होती है हर बंदे की, तो उस वजह से हमने इसमें बजट सॉरी एंड्रॉइड नहीं इंस्टॉल करा।
एंड्रॉइड में भी आपको 10 इंचेस और 9 इंचेस के स्टीरियोज अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें आपको सारे फंक्शंस रहने वाले हैं, आपके एप्पल कारप्ले वगैरह वो सब वर्किंग करने वाले हैं। और जो भी एंड्रॉइड लगाते हैं हम सारे ओरिजिनल बटन्स आपको वर्किंग कंडीशन में करके देते हैं, अगर आप लगवाते हैं हमसे फ्यूचर में कभी कुछ, तो सब चीजें रहती है हमारे पास इसकी। BMW के नीचे से मॉडल से लेके अपर मॉडल तक की भी कोई भी बॉडी किट्स आपको चाहिए तो हमारे पास सारी अवेलेबल है। मतलब ये है कि भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास है BMW या कोई और गाड़ी भी है, कोई और गाड़ी, और अगर आपको चेंज करानी है, आप हमें एक चेक कर लीजिए कि आपको कोई भी गाड़ी हो, एक बार हमसे कंफर्मेशन ले लीजिए कि आपके पास ये अवेलेबल है नहीं। हमारे पास वैसे तो मोस्टली अवेलेबल होते हैं, कुछ हो तो नहीं हो तो नहीं हो, ये भी है। और शॉप है ना जैसे, तो ऐसा नहीं है कि BMW की बात कर रहे हैं, कोई भी आपको स्टीयरिंग चाहिए कार्बन फाइबर वाला, कुछ भी आपको चाहिए। हम नहीं चाहते कि भाई हम सिर्फ इन्हीं गाड़ियों का काम करें, हमारे पास सारी गाड़ियां होती हैं। अभी स्टोर पे हमारी ग्रैंड विटारा का उसका शूट चल रहा है, उसको छोड़ के आए हैं हम, उसको भी थोड़ा सा डिले करके आए हैं, और सारी गाड़ियों का आपको ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों की एक्सेसरीज मिल जाएगी हमारे पास। बिल्कुल। और भाई देखो कश्मीर से ही आई है, मुझे जरा ये बता दो वहां से आई कैसे, मतलब कैसे कॉन्टेक्ट हुआ? हम BMW, हमने कुछ वीडियोस अभी कुछ रिसेंटली वीडियोस डाली थी, तो उन्होंने हमारी वीडियोस देखी थी इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे भी देखी थी, फिर उन्होंने, हमने इंस्टा से लिंक डाला हुआ था यूट्यूब का, तो उन्होंने यूट्यूब पे पूरी वीडियो देखी, फिर उसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, फिर वो कश्मीर से उन्होंने हमारी एक महीने पहले बात हुई थी, वो फिर उन्होंने हमें अभी दो दिन पहले गाड़ी दी है ये, और अब ये गाड़ी को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने सोचा कि चलो विशु भाई को याद कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ। अब विशु भाई बोलते हैं मुझे, लेकिन मेरा नाम वाशु है, तो आप ढूंढने मत लग जाना विशु कौन है। नहीं नहीं, वाशु भाई को कॉन्टेक्ट करते हैं, तो ऐसे ऐसे कुछ कॉन्टेक्ट हुआ कि ताकि हमारे जो नए कस्टमर है उनकी भी रीच हमारे तक बढ़े। हाँ बिल्कुल। और अगर आपके पास कोई और गाड़ी भी है, आपको कुछ कराना है मॉडिफिकेशन, बेस टू टॉप बनवानी, जैसे आजकल सीन चलता है ना, सीन चलता है कि बेस लो और उसको टॉप में कन्वर्ट करो, जैसे ग्रैंड विटारा हमारी बेस खड़ी हुई है, बेस खड़ी हुई है, उसको हम टॉप में बना रहे हैं। बिल्कुल, हमने उसको टॉप और टॉप तो छोड़ो, उसमें टॉप नो चीजें लग रही है, लाइक जरा स्टीरियो को बता दो क्या लग रहा है। वो स्टीरियो तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो उस गाड़ी में दिखाएंगे, उस वीडियो में दिखाएंगे। हाँ ये भी बात सही है, तो उस वीडियो को देखना आप, ठीक है, वो डल चुकी होगी, आप जाके उसे चेकआउट करो, उसके बाद ये वाली वीडियो आई है, ठीक है। चलो अब बाहर चलते हैं, बाकी तो इंटीरियर देखो यार, इस गाड़ी का लाजवाब है ही है, और भाई BMW तो BMW ही है, इसमें तो क्या ही तारीफ करूं मैं इसकी। पर ये है कि जिस हिसाब से भाई ने काम कर दिया है, वो तारीफ के लायक और ज्यादा हो गई है अभी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे नहीं पता था कि भाई इसमें ऐसा आता है, इन्होंने मुझे बताया कि मैंने चेंज किया है, तो ये एक अच्छा लग रहा है। मतलब अगर किसी को पता ही ना लगे कुछ ऐसा चेंज हुआ है, तो वो काम बहुत ही बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्टीयरिंग है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, आप कह नहीं सकते कि ये आफ्टर या ऐसा कुछ है, जेन्युइन पार्ट की तरह ही बिल्कुल ओरिजिनल हैगा पार्ट ये, ये सिर्फ कुछ कस्टमाइजेशन होती है इसके ऊपर, बाकी बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स रहते हैं, पूरी OEM फिटिंग के साथ आपको सारा काम इसमें देखने को मिलेगा जी। चलिए एक बार आप बाहर चलते हैं भाई, वीडियो को करते हैं एंड, और एक बार मैं जरा गाड़ी का ना ओवरव्यू दे देता हूँ, किस टाइप का लुक आ रहा है इस किट को डलने के बाद। इसमें डली हुई है किट M3 वाली किट डली हुई है, और 320D डीजल की गाड़ी है, वैसे तो भाई ऑन पेपर ये खत्म है, लेकिन जिसकी गाड़ी है उसको मन था कि भाई इसको ना थोड़ा सा चेंज कराते हैं, और सा लुक आ रहा होगा। बाकी भाई ने इसमें क्या करा, जैसे फेंडर चेंज किए इसके, और आगे का बंपर पूरा चेंज है, मतलब ये रनिंग बोर्ड आप देख लो ये पूरा चेंज है, पीछे का बंपर चेंज है, टेल लैंप्स चेंज है, अंदर स्टीयरिंग चेंज कर दिया है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज किया है। तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी में ऐसा कुछ काम कराना है, तो आप आ सकते हो, और अगर आपको और भी कोई गाड़ी है, तो उसका भी आप काम आके यहाँ पे करा सकते हो। मैं बता देता हूँ, प्रो कस्टम कार्स बाय DJ's ऑटोमोटिव, पंजाबी बाग में पड़ता है, नंबर फ्लैश कर रहा है, जल्दी से घंटी घुमाओ, कोई क्वेरी है तो उसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नई गाड़ी के साथ, बाय।